उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद ने 20 अप्रैल को 2 बजे दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। यूपी बोर्ड 10th में 89.55 और 12th में 82.60% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इसके साथ ही यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर छात्राओं के मन में सवाल हैं। तो जो भी स्टूडेंट एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं वो कंपार्टमेंट एग्जाम के जरिए पास हो सकते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 3 सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्रों को अगले साल ही अब परीक्षा देने का मौका मिलेगा। कंपार्टमेंट के लिए upmsp.edu.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं, उसके बाद यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट लिंक पर क्लिक करें। अब जानकारी दर्ज करें, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट का सब्जेक्ट चुनें, अब फॉर्म भरें और फीस जमा कर दें। फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास रख लें। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स इसकी जानकारी के लिए वेबसाइट चेक करते रहें और जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें फॉर्म भरने से लेकर आवेदन की तारीख, फीस की पूरी जानकारी, एग्जाम की तारीख और प्रक्रिया जैसी सब जरूरी जानकारी आपको दी जाएंगी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर 2024 की एग्जाम में सफल नहीं हुए हैं या अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी उन सभी छात्रों के लिए आयोजित हो रही है जो विद्यार्थी एक या दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। वो मार्क्स की जांच, वेरिफिकेशन या रीकैलकुलेशन के अनुरोध के लिए स्क्रूटनी करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स के पास स्क्रूटनी के आवेदन के लिए 14 मई तक का समय है। इस साल 50 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हुए थे, 27 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी, 86.05% लड़के और 93.40% लड़कियां पास हुई हैं। हाई स्कूल की बात करें तो प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में सीतापुर ने वाकई अपना जलवा दिखा दिया है। प्राची निगम यूपी बोर्ड 10th की टॉपर बनी है। प्राची ने 98.50% अंक प्राप्त किए। उनको 600 में से 591 नंबर मिले हैं। बता दें कि प्राची सीतापुर के सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की स्टूडेंट हैं। प्राची का इंजीनियर बनने का सपना है, वहीं इंटरमीडिएट में शुभम वर्मा ने टॉप किया है। उनकी इस सक्सेस पर घर वालों से लेकर उनके शहर के लोग बेहद खुश नजर आए। शुभम भविष्य में IAS ऑफिसर बनके देश की सेवा करना चाहते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।